अच्छा, इतने सारे काम आप करते हैं, सिंगिंग भी है, मॉडलिंग भी है, एक्टिंग में फिर फिल्म है, फिर ड्रामा है, फिर होस्टिंग है, सबसे ज्यादा दिल के नजदीक क्या? जनरल स्टोर भी है मैंने सुना आप नहीं कारोबार भी करते हैं नहीं वैसे ही लगा जूते लगा रहा सर, काम है सर, मेरे दोस्त है सर, भाई है मेरे सर। मुझे शाजी, मुझे लगता है कि जब मैं एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मुझे बहुत काम करना है, ठीक है, और मेरे अंदर से आवाज आती है कि प्लीज मुझसे काम ले लो, मुझे मुझे बहुत जोर से एक्टिंग आती है, मेरा बड़ा दिल करता है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि वो हीरो था, मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि वो एक्टर था, एक्टर था, वाह वाह वाह। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस चीज से भी इनकारी नहीं हूँ, म्यूजिक का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि मैंने जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैं ग्रेजुएट हूँ, सलामत अली खान साहब मेरे टीचर हैं म्यूजिक के। फनून लतीफा में या फाइन आर्ट्स में सुर से पाकीजा कुछ नहीं मैंने देखा। क्या कहें, सबसे ज्यादा तस्कीन आपको गा के मिलती है? मुझे सुन के भी मिलती है, गा कर भी मिलती है, और म्यूजिक ने और शायरी ने मुझे जो कराची के अवायल अयाम थे, जो मेरी स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसमें बड़ा संभाला है मुझे उन्होंने, और आज तक संभालते हैं। आप धुन बहुत अच्छी बनाते हैं, बस जितनी भी चीजें नए लोगों की मैंने देखा आपने गाई हैं अपने शोज में, अपने शोज में भी जो बाद शायर आते थे या कोई आते थे उनको आप ट्रिब्यूट पेश करते थे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और तो वो धुनें बहुत अच्छी होती थी, और उनमें से बेशुमार धुनें ऐसी थी जो ओरिजिनल थी। जी बिल्कुल, सारी ओरिजिनल होती हैं एक्चुअली। जितने भी मेरे गाने हैं अब तक, जो मेरे अपने गाने हैं जिनमें से सबसे ज्यादा पजीराई जैसे मेरी उड़ी जा क्या बात है, वाह वाह, वो कोट स्टूडियो में सर था, उसकी कंपोजिशन आपकी, उसकी कंपोजिशन। तो मेरे सारे गीतों की कंपोजिशन मेरी अपनी होती है, मां सिवाय जो मेरा डेब्यू था वो था बेपरवाह ढोला, तो उसके लिरिक्स और उसकी कंपोजिशन मेरे मरहूम मामू रियाज अंजुम साहब की थी, लेकिन बाकी सारे गीत जो है उसके। और उड्डी जा पे शाजी, अगर आप कभी उसको सुने तो आपको गुमान होता है, अच्छा तो उस पे गुमान होता था, थोड़ा सा गुनगुना ही लाना, जरूर जरूर, मैं हाजिर उस पे लोगों को गुमान होता था उसकी शायरी पे, बिलखसूस के शायद ये बुल्ले शाह साहब की या किसी बुजुर्ग की शायरी है, लेकिन बस वो यहाँ पे मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करता चलूं कि मैं आज तक कभी भी ये नहीं कहता, अगर मैंने अभी कोई किसी पिछले जुमले में ये कह दिया हो कि मैंने कंपोज किया तो उसके लिए माजत, मैं कभी भी उसका क्रेडिट नहीं ले पाता और ना मैं लेना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, और शाहजी बिल्कुल अग्री करेंगे और सारे क्योंकि आमद वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि हमारा काम ही अता का है। वाह वाह, मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने कंपोज किया, मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने लिखा, क्या बात, हमें दे दिया, मुझसे लिखवाया गया, मेरा ये मानना है कि मुझसे लिखवाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे किसी ने पूछा कि यार ये गाना किसने लिखा, तो मैंने कहा हमारे बुजुर्ग हैं यार, मोहसिन अब्बास हैदर साहब। यार मुझे गालिब का शेर इस पे याद आ गया, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। और आप ये देखिए मोहसिन के लाजवाब, मेरा चूंकि करियर आप लोगों से 10-15 साल हम सीनियर है, तो वही काम बाज़ूकात यार जैसे एक रात में, दो रात में, तीन रातों में, तीन दिनों में आपने फर्ज कर लीजिए 10 गज़लें 20 गज़लें, बिल्कुल सही लफ्ज आपने यूज़ किया कि अता हुई आपको, अच्छा 20 गज़लें अता हो गई, बाज़ूकात 20-20 महीने शेर नहीं होता। वाह, तो वो जो बैरन पीरियड्स हैं वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब बात आप वाली बड़ी होती है कि आप सिर्फ शुक्र कर सकते हैं और मांग सकते हैं। वो जेडे 20 महीने ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਦ ਦੱਸੋ। हां ये बड़ी आपने अहम बात की, और ये आर्टिस्ट तमाम आर्टिस्टों के लिए जी, हमारे शोबे में ये होता है कि फिर हम रियाजत करते रहते हैं, कच्चा पक्का जो भी है, मगर लिखना नहीं छोड़ते। तो बाज़ूकात उन 20 महीनों में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ लिख तो सकते हैं, आप अल्लाह ने हाथ से 20 महीने रियाजत कर दो थकदे ने। गुनगुना ही दीजिए, सारा गुनगुना देंगे। अच्छा मोहसिन, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और वो तो उनका रियाज भी तानपुरे थे। अब बात करने देंगे, मैंने पता ना गलबात ही जानी बात करना, उन्होंने तो चलो मैंने नहीं पता, तो ढंग से पता है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, फैसला बात तक जाएगी। मोहसिन आपको रंगीन मिजाज मशहूर कर दिया गया। Sir, I'll take it as a compliment, sir. Good. Wow. I don't mind, sir. आदमी है सर। इरादतन कुछ नहीं करता, जरूरतन करता। मोहब्बत की आपने मोहसिन? सर बकायदा की है सर, बकायदा की। मोहब्बत के मामले में मेरी खाला माँ कहा करती हैं कि तुम गोद ले लेते हो। Wow. और मोहब्बत के मामले में मुझे ऐसा लगता है
कि अगर मेरा मोहब्बत पे यकीन आज तक कामिल है और कायम है तो वो मेरी अपनी वजह से है, क्योंकि मैंने अपने आप को मोहब्बत करते देखा है कि ऐसे मोहब्बत होती है, और वो मुझे गुट्टी में मिली है मेरे खानदान से, मेरी फैमिली से। मैंने अपनी माँ को, अपने घर वालों को मुझसे मोहब्बत करते देखा, बीइंग द ओनली सन। और बहने हैं? बहने दो हैं, दोने दो तो मेरी चार माँ हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। दो बड़ी बहनें, खाला माँ ने अडॉप्ट कर लिया, और एक मेरी वालिदा जिन्होंने, और आप छोटे हैं, मैं सबसे छोटा। वाह वाह। तो उन्होंने मोहब्बत करके, ख्याल रख के मुझे दिखाया कि ऐसे करते हैं। तो मैं आगे जिसको देता हूँ, मैं अपनी खानदान की उस रिवायत को वो ट्रांसफर कर रहा होता हूँ। तो मैं उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, उतनी ही शिद्दत से केयर करता हूँ। और उतनी ही शिद्दत से अब आज के दौर में मोहब्बत मिलती है? नहीं मिलती। के जरूरत से ज्यादा मोहब्बत भी जो है ना, वो उसमें भी दम घुटने लगता है। मैंने देखा है लोगों का दम घुटते हुए। लेकिन मजा मोहब्बत हो मगर स्पेस दे ना, मगर स्पेस दे, ऑफ कोर्स। लेकिन मजा तब आता है, क्योंकि एक और चीज है, अगेन आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कि मोहब्बत जो है ना, बुनियादी तौर पे अपने महबूब को, अपने माशूक को, या जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, उसके पैरों में रस्सी बांध के किसी जगह जकड़ के रखने का नाम नहीं है कि हर वक्त मेरे सामने नजर आता रहे। उसकी खुशी के लिए उसे आजाद कर देने उसकी एक मुस्कुराहट के लिए आप मुझे अगर कुछ करता देखें ना कभी, यस, तो आप ये अशफाक साहब उसकी मुस्कुराहट के लिए आप उसकी जुदाई भी बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सब कर जाते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए, जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं, भेजते हैं अपने बच्चों को जी, उसकी खुशी के लिए कहते हैं ठीक है, जिथे उथे पढ़ लाए, उथे कम कर लाए, उथे वो कर लाए, क्योंकि यार तरक्की करेगा, खुश होगा। बाकी रिश्तों में भी इसका ख्याल साढ़े चपेट मार के कहते हैं मोहब्बत च मारी की है, हाल भी तो देख ही होया। बाल उठ गए आया ना सीरियस के बाद यार, उसकी सुन लेने दो, आज बहुत संजीदा बातें कर रहा है, संजीदा बातें कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मोहसिन भाई आए हैं तो संजीदा बातें जो है वो जरा एक ज्यादा करें, उसके बाद आप जरा ज्यादा कर लें संजीदा बातें आप, उसके बाद आप चीथड़े उड़ा दीजिएगा। आप कौन है? I'm all yours। तो जितनी ऐसी पाई है बंदा नेहरे च भी फड़िया जाएगा। हालांकि मोहसिन ऐसा आदमी है जो रोशनी में भी नहीं पकड़ा जाता। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से फकफक बाद आप साथ से कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहसिन अब्बास हैदर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड, एनर्जेटिक मोहतरम मोहसिन अब्बास हैदर साहब। और नजफ, कुछ कहनी थी आप? जी बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट कर रही थी, अपनी सुरीली आवाज में उड़ी जा सुना दीजिए, क्योंकि बात तो हमारी बीच में रह गई थी। एह जी उड़ी जाती, फरमाइश करके तो उड़ जाती। जी जरूर जरूर, सर इजाजत जी, बिल्कुल प्लीज। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर। वाह। सल्ले अला दा विरद पका के, सल्ले अला दा विरद पका के, मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के। वाह वाह। उड़ी जा क्या कहने, बहुत आला, बहुत आला।